हाय एवरीवन, दिस इज़ रूही एंड वेलकम टू मंथ ऑफ पैलेट। आइस टी मार्केट में बहुत तरह से अवेलेबल है, पाउडर फॉर्म में, पैकेट्स में, जार्स में, लेकिन आज हम बनाएंगे फ्रेश लेमन आइस टी घर के ही इंग्रेडिएंट्स के साथ। लेट्स स्टार्ट। तो आइस टी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर मैं लूँगी पानी उतना ही लेंगे हम लोग जितने ग्लासेस हमको आइस टी बनानी है। तो मैं यहाँ अराउंड 4 to 5 ग्लासेस के अकॉर्डिंग ले रही हूँ पानी। दैट्स इट। अब मैं इसके अंदर लूँगी मिंट की जो डंडियाँ होती हैं, मैंने वो ली हैं, बिल्कुल जो एकदम कच्ची कच्ची होती हैं वो। और यहाँ मैंने ये पील्स लिए हैं लेमन के, इनको मैं अब इसमें डालने के बाद पानी को अच्छे से बॉयल कर लूँगी। नाउ सी, इसके अंदर अच्छे से बॉयल आ गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। अब मैं इसके अंदर लूँगी चाय की पत्ती, नॉर्मल चाय की पत्ती जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं। इतने पानी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें अराउंड 1.5 टेबल स्पून जो है पत्ती ली है। तो अब मैं इसको इसके साथ अच्छे से बॉयल होने दूँगी और साथ ही में मैं इसके डालूँगी थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ। और अब इसे 5 मिनट तक बॉईल करने के बाद मैं इसको कवर करके गैस ऑफ कर दूँगी। डन। नाउ दिस इज़ डन। अब बॉईल करने के बाद मैंने इसको ढक के रख दिया था फॉर अराउंड 5 to 10 मिनट्स और अब मैं इसको छान लूँगी। दैट्स इट। और अब इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने देंगे। बट लुक एट द कलर, बहुत सुंदर लग रहा है ये, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर ही अभी ठंडा कर लेंगे। अब ये ठंडा हो चुका है तो इसके अंदर मैं डालूँगी आइस क्यूब्स। बहुत बिल्कुल ठंडा नहीं है ये, थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तो अब इसके अंदर हम आइस क्यूब्स डाल सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर डाले आइस क्यूब्स, साथ में मैं डालूँगी इसके कुछ मिंट लीव्स। अब मैं इसमें लूँगी लेमन जूस, बिल्कुल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप इसे ऐड कीजिए, जितना खट्टा आपको चाहिए। आई ऐड हनी, मीठा भी बिल्कुल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और अब इसको मैं रखूँगी फ्रिज के अंदर, बिल्कुल चिल करूँगी फॉर अराउंड 2 to 2.5 आवर्स एंड देन आई सर्व दिस। नाउ दिस इज़ डन। लास्ट में मैंने इसके ऊपर थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं और अब मैं इसे इन्जॉय करूँगी। यू इन्जॉय दिस ड्रिंक इन दिस मॉनसून एंड डू लेट मी नो कि आपकी आइस टी कैसे बनी। तब तक मैं जाती हूँ, इन्जॉय करती हूँ, बाहर बारिश बहुत हो रही है।